नमस्कार दोस्तों, आज मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में गुरु से जिस भाव में बुध विराजमान होते हैं, जातक को उस भाव से संबंधित मामलों की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुलकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए उस भाव से संबंधित सभी बातों के लिए। देखिए, गुरु ज्ञान के कारक है, बचाने वाला ग्रह क्या कहा गया है गुरु को, जो हमें बपतियों से, समस्याओं से बचाते हैं। सबसे बड़े ग्रह है गुरु, सब ग्रहों में से सबसे विद्वान है, देवताओं के गुरु हैं। और भाई, बुध बुध बुद्धि के कारक, हिसाब किताब के कारक, जो कैलकुलेशन करते हैं जीवन में कि जहां लाभ होगा जहां हानि होगी, उसके कारक, हर बात का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं बुध। गुरु बुध दोनों ही कहीं ना कहीं जातक की सोच को प्रभावित करते हैं। जीवन के बारे में, जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में जातक के दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों ग्रह। वो कहते हैं ना कि जिसने मन जीत लिया, मन पर काबू डाल लिया, उसने पूरी दुनिया अपने बस में कर ली, पूरी दुनिया जीत ली। भाई, यही दोनों ग्रह हैं जिनका कंट्रोल हमारे मन पर है, उसको इस योग्य बनाने के लिए कि वो दुनिया जीत सके। ठीक है, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, लेकिन भाई बुद्धि और ज्ञान के कारक अगर स्ट्रोंग हो तो, अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा अशुभ हो तो भी जातक अपने जीवन में काफी संतुष्टि से रहता है, संतुष्टि से जीवन व्यतीत करता है। आइए प्रत्येक भाव में चर्चा करते हैं कि गुरु से बुध प्रत्येक भाव में क्या फल देंगे। सबसे पहले तो भाई, गुरु और बुध इकट्ठे पड़े हो कुंडली में, यानी गुरु से पहले भाव में बुध विराजमान हो कुंडली के किसी भी भाव में, जहां भाव का कोई महत्व नहीं है, उस पर कभी फिर वीडियो बनाएंगे। किसी भी भाव में कुंडली के गुरु और बुध इकट्ठे विराजमान हो, गुरु और बुध की जुती हो, ज्ञान और बुद्धि का मेल हो गया, समझदारी जातक में आवश्यकता से अधिक होगी, हर वस्तु आवश्यकता से अधिक, भाई नेगेटिव इफेक्ट उसका होता ही है। तो जातक बहुत अधिक समझदार होगा, बुध बाल ग्रह, इसलिए इच्छाएं बहुत होंगी जातक की, इच्छाएं पूरी करने के लिए गलत कार्य भी करना चाहेगा, मगर ये भी चाहेगा कि समाज में मेरा आदर्शवादी चेहरा कायम रहे, मेरी जो हैसियत है समाज में बनी रहे। इसलिए अंदर ही अंदर दिल और दिमाग में कशमाकश चलती रहेगी।
कभी शनि और राहु की दशा अंतर दशा आ जाए तो रिस्क लेकर साहस आ जाएगा उस समय, तो वो थोड़ा गलत कार्य करकर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेगा। इसके अलावा दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए जातक को उसकी भी सहायता करनी पड़ती है जिसकी सहायता वो ना करना चाहता हो, जिसका जातक दिल से बुरा चाहता हो लेकिन अपना अच्छा चेहरा बनाने के लिए उसकी भी सहायता करता है। इसलिए कई बार जातक को अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है। भाई जीवन में आनंद और शांति के साथ रहने के लिए अपनी बदनामी की अधिक चिंता ना करें। इतना जरूर कहूंगा कि किसी गरीब के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ धोखा नहीं करना, नहीं तो ये 4 दिन की जिंदगी है, इसको एंजॉय कीजिए जितना होता है। लोगों ने किसी को छोड़ा है आज तक? सबकी बदनामी करते हैं। अधिक गलत कार्य नहीं करने, लिमिट में रहकर सभी कार्य करने हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बदनामी के डर से आप जीवन में तरक्की ना कर सको। दूसरे भाव पर आते हैं, गुरु से बुद्ध दूसरे भाव में हो, गुरु कहीं भी विराजमान हो, इसका कोई अंतर नहीं। मान लीजिए गुरु जहां विराजमान है और बुद्ध जहां विराजमान है, तो गुरु से बुद्ध दूसरे भाव में आ गया। तो गुरु से बुद्ध जब दूसरे भाव में विराजमान हो जाते हैं भाई, तो डायबिटीज और हार्मोन्स से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आ सकती हैं जातक को। इसलिए 40 साल की उम्र तक आपने जो खाना पीना है सब कुछ खाएं, मगर एक लिमिट में खाएं, कंट्रोल कर खाएं अपने आप पर, क्योंकि बुध बाल ग्रह कोई चीज बहुत स्वादिष्ट है तो बहुत अधिक मात्रा में उसका सेवन आपको नहीं करना, नहीं तो भाई 40 साल की उम्र के बाद उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अपनी वाणी में अधिक विनम्रता ना लाए, सीधी साधी वाणी ना बरते, थोड़ी चलाकी रखे वाणी में। रिश्तेदारों के साथ, खानदान के सदस्यों के साथ, कुटुंब के सदस्यों के सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी। अगर अच्छा बनोगे तो आपको जूझ करवाएंगे वो। इसके अलावा अपने जीवन में जितना भी धन आपके पास है उसका 1/4 यानी 25% संचित कर रखना है, और संचित करने के बाद ये भूल जाना है कि ये मेरा धन है। वही धन वही आपके बुरे वक्त में काम आएगा, क्योंकि आपका जो खर्च करने का ढंग है, जो तरीका है, वो समझ से बाहर है। आपको भी नहीं पता होता कि कब मैं क्या खर्च कर दूंगा। इसके अलावा नौकर चाकर या जो आपके अंडर काम करते हैं, किसी ऑफिस में है, बिजनेस में है, जो आपके सबोर्डिनेट का स्टाफ है, उससे पर्सनल बातें नहीं करनी, यानी अपनी घर की बातें, पर्सनल बातें उनसे शेयर नहीं करनी, राज की बातें उनको नहीं बतानी। पड़ोसियों के साथ चुगली वगैरह ना करें, खासकर मेरी बहनें। अगर भाई पड़ोसियों के साथ चुगली वगैरह करेंगे तो आपकी इज्जत बहुत कम होगी। बहनों से मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि कोई झूठा इल्जाम भी आप पर लग सकता है, इसलिए पड़ोसियों से टू द पॉइंट बात करनी है। गुरु से बुध तीसरे भाव में हो भाई, तो जिम्मेदारी ले,
जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, कोई बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़े तो ले ले, मगर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कोई काम गलत हो गया तो हो गया, जो काम करता है उसी से काम गलत होता है ना। अगर हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो कार्य गलत भी नहीं होगा। जैसे वो कहा गया है कि जो समुद्री जहाज होते हैं वो जो सबसे सेफ होते हैं वो होते हैं बंदरगाह पर, जब समुद्री जहाज खड़ा होता है उसको कोई खतरा नहीं होता तब। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो समुद्री जहाज बनाए गए हैं वो बंदरगाह पर खड़ा करने के लिए बनाए गए हैं, वो भाई समुद्र में चलने के लिए बनाए गए हैं। तो जीवन में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी ले, कोई कार्य गलत हो जाए डरना नहीं, अपने आप को कोसना नहीं, कंफ्यूजन से कहिए कि गलत हो गया। अगर सिचुएशन टेढ़ी हो, कई ऑफिस वगैरह में राजनीति चलती है तो किसी दूसरे के गले में डाल दीजिए कि इसकी वजह से गलत हुआ है, तो आप कार्य क्षेत्र में कामयाब होंगे। अगर अपने आप को कोसते रहेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा काम करते समय बीच में थोड़ा रेस्ट ले, लंबे समय तक कार्य नहीं करना कोई भी, वरना आपकी सेहत खराब होगी। दूसरों की सहायता एक लिमिट में करनी है, ये नहीं कि कोई जरूरतमंद ने आकर कहा कि जी मेरी बीवी बीमार हो गई, मेरे बच्चे बीमार हो गए, उसको 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, ऐसा नहीं करना। किसी को उधार देना है तो उतने पैसे ही देने हैं जितने आप बर्दाश्त कर सको, अगर वो आपको वापिस ना करे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में जो विपरीत लिंग के लोग आपके साथ कार्य करते हैं, अगर उनकी सहायता की आपने कभी तो उसको गुप्त रखें, उनके साथ अपने संबंध गुप्त रखें। जहां आपका मकान है साफ सफाई रखे, अच्छी बात है, लेकिन उसकी सुंदरता पर अधिक पैसे नहीं लगाने। डेकोरेशन के लिए नया नया महंगा सामान नहीं खरीदना। भाई बहनों के साथ बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन भाई उनसे दबकर भी नहीं चलना। खास तौर पर पैतृक संपत्ति के बंटवारे में जितना आपका हक है उतना आपको ले लेना चाहिए। आगे चलते हैं, गुरु से बुध चौथे भाव में हो। किसी भी कहीं भी गुरु पढ़ाओ उससे चार भाव आगे बुध ले लेना है। जैसे कई बार कमेंट आते हैं, दोबारा समझा देता हूं, गुरु जहां पढ़े हैं 1, 2, 3, 4, जहां बुद्ध आगे। कहीं भी गुरु पढ़े हो उनसे चौथे भाव में बुद्ध विराजमान हो। तो भाई जीवन में कामनाएं इच्छाएं ऐसी रखे कि पूरी हो सके, जो प्रैक्टिकल पूरी हो सके, ऐसी इच्छाएं रखें। हवाई किले ना बनाएं, हृदय की बीमारियों का संकेत दे रही हो बॉडी, कई बार क्लियर संकेत नहीं मिलता, आइडिया सा हो जाता है कि हो सकता है कि हृदय की बीमारी के कारण मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है, तो भाई थोड़ा सावधान हो जाएं, टेस्ट वगैरह करवा लें। एक बात है, गुरु से चौथे भाव में बुद्ध आ गया, सब कुछ होगा आपके पास, सभी सुख होंगे, मगर क्या नहीं होगा, मन की संतुष्टि नहीं होगी, मन भटकता रहेगा। इसलिए प्राणायाम आपके लिए सबसे अच्छा है। ध्यान कीजिए, सांसों की ओर ध्यान लगाएं, चाहे 5 मिनट सुबह या 5 मिनट शाम को ही लगाएं, लेकिन हर रोज की आदत बना ले।
नींद जरूरत से अधिक लें, नहीं तो भाई नर्वस सिस्टम की बीमारियां, हाथ पैर सुन्न होना, सिर का सुन्न होना, सिर की दूसरी बीमारियां लग सकती है। इसलिए नींद अच्छी ले, पूरी ले, बेफिक्र होकर सोएं। कामयाबी के लिए अगर छल कपट करना पड़े तो भाई कर ले, अधिक आदर्शवादी ना बने तो सुखी रहेंगे आप। आप ये ना कहे सोचना कि सर कह रहे हैं कि छल कपट करो, मैं ये कह रहा हूं कि इस कलयुग में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि छल कपट करना पड़े तो अधिक आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। आप छल कपट कर सकते हैं तभी आप जीवन में सफल होंगे। गुरु से पंचम भाव में बुद्ध आ जाए भाई, तो पंचम भाव बुद्धि का भाव है, बुद्धि का कारक, बुद्धि विराजमान हो गए उस पर गुरु की पंचम दृष्टि, फिर भी पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो जीवन में थोड़ा केयर फ्री बने, लाइफ को अधिक सीरियस नहीं लेना कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे उसे ऐसा बोलना चाहिए था, मैंने ये गाड़ी ले ली, मुझे वो गाड़ी लेनी चाहिए थी, जो कर दिया भाई ठीक है, जो ले लिया ठीक है, किसी को बोल दिया, किसी ने आपको बोल दिया, अधिक सीरियस नहीं लेनी आती छोटी छोटी बातें। कोई तर्क वितर्क में आपसे गलत वाणी की का उपयोग कर ले तो साथ ही साथ हंसकर बात को टाल दे और हिसाब किताब बराबर कर ले, झगड़ा नहीं करना, मजाक में उसका उत्तर दे दे। जीवन में मस्त रहे, पढ़ाई लिखाई को अधिक सीरियस ना ले। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 4 मार्क्स कम आ गए एग्जाम में तो अधिक फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा कैरियर होगा आपका, अपनी तरफ से मेहनत करें। अगर थोड़े नंबर कम आ जाते हैं एग्जाम में तो उसकी चिंता नहीं करनी। एक बात है भाई, गुरु से बुध पंचम में हो तो जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बेईमानी करनी पड़ती है, थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, उसका अपने जो आपके विचार हैं उस पर अधिक असर नहीं डालना कि मैंने ये गलत कार्य कर दिया, जब मुझसे गलत हो गया, ऐसा नहीं सोचना। थोड़ी बेईमानी आपको वही करनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रेम संबंधों में अपने प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को जज करने में आपको मिस्टेक होगी, यानी आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कि इसके दिल में क्या है, और चेहरा बहुत भोला है लेकिन दिल में क्या है इसका अनुमान आप नहीं लगा पाओगे। इसलिए गुरु से बुध पंचम भाव में हो तो भाई प्रेम संबंधों से दूर ही रहें। आपकी जो विनम्रता है आसपास के लोग उसका नजायज रूप से लाभ लेंगे। आगे चलते हैं, गुरु से बुध छठे भाव में हो तो दुश्मनों के सामने दबना नहीं है, अपने आप को इस तरह सिद्ध करना है, दुश्मनों को ऐसे दिखावा करना है जैसे कोई सांप है, मान लीजिए सांप में जहर नहीं है, तब भी अगर वो फन फैला ले अपना तो भी लोग उससे डरेंगे। इसी तरह जितना आपके पास है
दुश्मनों को उससे कहीं ज्यादा आपने शो करना है। कोई गलत बोले आपके साथ, बदतमीजी करे, तो तरीके से उसका हिसाब किताब बराबर कर दे। कठिनाइयों के बारे में बिल्कुल ना सोचे। 6 महीने के बाद कोई कठिनाई आनी होती है तो उसकी चिंता आप आज से ही करना शुरू कर देते हो। इसमें भाई कोई समझदारी नहीं है। जीवन में छोटी मोटी बीमारियों को अधिक सीरियस ना लें। हाँ, छठे भाव में बुध हो गुरु से तो डायबिटीज, थायराइड, किडनी की बीमारियां, इनकी अनगहली नहीं करनी। अगर ये हो तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लें और प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवा लें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अधिक आदर्शवादी नहीं बनना। नौकरी पूरी कॉन्फिडेंस से करनी है, ये सोचकर नहीं करनी कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा। भाई आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, बरकरार रहेगी। एक रास्ता बंद होगा, 2 रास्ते खुलेंगे। कॉन्फिडेंस से नौकरी करें। ऋण भी आप ले सकते हैं अगर आवश्यकता हो, वो भी आसानी से उतर जाएगा। गुरु से सप्तम भाव में बुध हो तो जीवन साथी जैसा मिले उसको गुण और दोषों के साथ स्वीकार करना और संतुष्ट रहे। एक बात और है, अगर जीवन साथी के सामने बिल्कुल सीधे साधे बनकर रहेंगे, अपने आदर्शों में रहेंगे, तो भाई आपका ग्रस्त जीवन अच्छा नहीं रहेगा, कामयाब नहीं होंगे, टेंशन में रहेंगे आप। इसलिए ग्रस्त जीवन में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि अपना करैक्टर, अपना चरित्र खराब करो, लेकिन जीवन साथी को सभी बातें ना बताओ। राज की बातें अपने पास रखो तो आपका ग्रस्त जीवन कामयाब रहेगा। इसके अलावा सेक्स में संयम रखें। जहां तक हो सके अगर साझेदारी में कोई कार्य करना है तो उसमें आपका भाई जो शेयर हो वो 50% से कम हो, यानी आधे से कम हो, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर कोई कोर्ट केस करना पड़े, कोई आपसे नजायज कर रहा हो, कोर्ट केस करना पड़े तो अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, कर दे आप। आगे चलते हैं। गुरु से बुध अष्टम भाव में हो तो आपके जीवन में सभी कार्य अपने आप ही होते चले जाएंगे, यानी आपको तो देखना है, अधिक एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सभी कार्य अपने आप होते चले जाएंगे और जो आपकी प्लानिंग होगी उसके अनुसार नहीं कार्य होंगे। इसलिए अधिक प्लानिंग नहीं करनी अपने जीवन में। मुसीबतें आएंगी, छोटी मोटी, चली जाएंगी, टेम्परेरी होंगी। मन को विचलित नहीं करना, मन को कंट्रोल में रखना है, नहीं तो पेट पर इसका सीधा असर होगा। लोगों का चेहरा आप पढ़ लेते हो, इसलिए जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही करें। शरीफ के साथ शराफत, और जो भाई थोड़ा गुंडापन दिखा रहा हो फिर डंडा भी उठा ले। इसके अलावा अपने जीवन में को जितना सीक्रेट रखोगे, जीवन को जितना गुप्त रखोगे, उतने ही आप अपने जीवन में कामयाब रहोगे। गुप्त रिलेशन यानी गुप्त संबंध और गुप्त धन, ऐसा धन
जिसकी जानकारी आपको ही है वो आपके बहुत काम आएगा। इसलिए जीवन में गुप्त रिलेशन भी रखें, गुप्त संबंध भी और गुप्त धन भी रखें। गुरु से नवम भाव में बुद्ध हो भाई, तो बड़े बड़े आइडियस आइडिया आएंगे आपके दिमाग में, बड़े बड़े विचार आएंगे, लेकिन आत्मविश्वास इतना नहीं होगा कि उन आइडियाज को अपने जीवन में लागू कर सके, अपना सके। तो भाई रिस्क लेने की थोड़ी क्षमता बढ़ाएं, खास तौर पर अगर आप बिजनेस में हैं या राजनीति में हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप जीवन में अधिक कामयाब होंगे। इसके अलावा जो बच्चे अभी सेट नहीं हुए उनको चाहिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, किसी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करे, तैयारी करे, उनको सफलता मिलेगी, अच्छा ओहदा प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक बने मगर बहमी ना बने। धार्मिक होना और बहमी होना इसमें बहुत अंतर है। धार्मिक का मतलब कि किसी जरूरतमंद की मदद कर देनी, और बहमी का मतलब कि आवारा साधुओं के पीछे बिना मतलब के चक्कर काटने या धागे तवीजों के चक्कर में फंस जाना, या काम करने निकले कोई काम नहीं बना तो सोचना कि सुबह उसका मुख देखा था, दो दिन बाद फिर वही मिल गया तो टेंशन में आ गए कि आज फिर नहीं कार्य होगा। ऐसा नहीं भाई, बहम बिल्कुल नहीं करना, धार्मिक बने। संतान के प्रति फर्ज निभाए मगर संतान से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी आपको। सोशल वर्क करें, उसमें आपको प्रसिद्धि मिलेगी, समाज में लोग आपको आपके गुणों के कारण जानेंगे, यानी आप गुणवान होंगे जिसके कारण समाज में आपकी एक इज्जत होगी, एक छाप होगी। कभी भी किसी के प्रेशर में आकर, दबाव में आकर गलत कार्य नहीं करना। अगर नौकरी में है तो छुट्टी ले लेना कुछ दिन के लिए, बिजनेस में भी नहीं करना, नहीं तो भाई लॉन्ग रन में इसका काफी नुकसान हो सकता है। गुरु से दशम भाव में बुद्ध हो तो जीवन में रोजगार कोई भी हो, आपका नौकरी में है, बिजनेस करते हैं, राजनीति में है, कोई भी कार्य क्षेत्र हो तो मेहनत करते रहे, लेकिन दिमाग में कोई डर नहीं रखना, मन में कोई डर नहीं रखना, नकारात्मक सोच नहीं आने देनी कि नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा, बिजनेस में घाटा पड़ गया तो मेरा क्या होगा, ना ही किसी पर अधिक शक करना है कि कहीं जे मेरी चुगली ना कर दे, कहीं जे मेरा बुरा ना करवा दे। किसी से डरना नहीं है, किसी के करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरु से दशम भाव में बुद्ध हो तो साइड बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर साइड बिजनेस करेंगे तो आप में एक आत्मविश्वास बना रहेगा, चाहे छोटे लेवल पर ही कर ले, लेकिन कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र को अधिक सीरियस नहीं लेना, जीवन जिए, अधिक असूलों में बंधे ना रहे। आगे चलते हैं, गुरु से बुद्ध एकादश भाव में हो भाई तो सोशल सर्कल बनाए, मित्र बनाए, लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं होना। जीवन में तरक्की करनी है
आनंद से जीना है तो भाई अकेला चलना सीखना पड़ेगा जीवन में। किसी का सहारा अगर ढूंढोगे तो फिर आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बुध बाल ग्रह कई बार अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने किसी अच्छे मित्र को धोखा दे देते हो। ऐसा नहीं करना भाई, थोड़ा घाटा सह लाना लेकिन किसी निकट मित्र को जो आपका अच्छा दोस्त हो उसको धोखा नहीं देना। जीवन में आमदनी में थोड़े उतार चढ़ाव आए तो अधिक सीरियस नहीं लेना, टेम्परेरी होंगे। जीवन में जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो पूरी होती रहेंगी, कहीं से भी धन आए। एक भाव बचाया जल्दी से उसकी भी चर्चा। गुरु से बुद्ध बार में भाव में हो तो भाई देव गुरु के पीछे राजकुमार ग्रह आगे, जातक बहुत समझदार होगा, जातक को बदनामी से बचाएगा। जीवन में कई तरह के गलत काम हो जाएंगे आपसे लेकिन वो सीक्रेट ही रहेंगे, राज ही बने रहेंगे। इज्जत मान सम्मान आपका सोसाइटी में अच्छा होगा। थोड़ा फालतू खर्च पर लगाम लगाएं, दिल तो आपका बहुत करेगा कि ये वस्तु भी खरीद लूं, वो वस्तु भी खरीद लूं, मगर दिमाग कहेगा कि इसका कोई लाभ नहीं। तो दिमाग की बात सुने, दिल की बात ना सुने। बाकी भाई मोक्ष के लिए भी अच्छा है, गुरु और बुद्ध इकट्ठे दो भावों में आ गए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अच्छा है, यानी गति की आपकी अच्छी होगी, मृत्यु के बाद का जीवन भी अच्छा होगा। और जो अच्छे कर्म है उनका जो फल है वो मृत्यु के समय भी मिलेगा, यानी अगर छठा भाव अष्टम भाव अधिक शुभ प्रभाव में होंगे तब भी मृत्यु का समय अधिक खराब नहीं होगा। अगर छठा भाव और अष्टम भाव शुभ हो तो मृत्यु का समय भाई बहुत ही शुभ होगा आपका। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि गुरु से प्रत्येक भाव में बुद्ध हो तो कैसे जीवन जिए और क्या फल आपको मिलता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।